अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हैं हैकिंग करने, वगास भाई, असद शेख, हम तीनों आए हैं हैकिंग करने। ये बहुत पहाड़ है जिसके हम हैकिंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। हमारे कैमरा मैन के काम देखे, अरे जाओ जाओ, ये काफी मुश्किल है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही इस बंदे ने, हमें तो लग रहा था नहीं पहुंच पाएगा लेकिन पहुंच ही गया ये। ऊपर जाके ये देखें, नीचे से तकरीबन 3-2.5 घंटे का सफर करके हम लोग ऊपर आए हैं इस चोटी के ऊपर। दूसरी साइड पे मदीना का दूसरा व्यू देखेंगे लेकिन धोखा हो गया हमारे साथ, चोटी के ऊपर आए हैं और आगे उससे भी बड़ा पहाड़ है। ये कार है कोई, आई थिंक जानवरों की है, तो हम जा रहे हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं हम यहाँ से ऊपर आए हैं, ये सारा मदीना है, ये देखें। काश भाई से पूछेंगे कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस आज का। खैरियत से होंगे, हमारा तो थोड़ा सा बुरा हाल ही है लेकिन माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, इन्जॉय भी किया है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम 20 सालों में इतना खूबसूरत मंज़र मदीने का कभी नहीं देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मदीना बहुत ही खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही मुबारक पहाड़ पे, जंती पहाड़ पे खड़े हैं उसी पे ये 2-2.5 घंटे चल के ऊपर आए हैं माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया। ये अगला मतलब वो चोटी है, थक गए हो? और बैठ के पी रहे कैमरा मैन, ये बैठ के पी की मत नहीं। उफ, आज तो बैंड बज गई है लाइफ में, इतना बड़ा पहाड़ पहले कभी नहीं ऊपर आया हम लोग पैदल, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। हाइकिंग तो की है लेकिन पता नहीं था कि ये इतना बड़ा होगा, सोचा भी नहीं था। क्या चल रही है? ये देखें, इधर चॉकिंग हुई है, शायद चाकू के साथ हुई है या ऐसी किसी चीज़ के साथ हुई है, और ये उन्होंने डेट भी लिखी हुई है, चेक करें ज़रा। ये ऊपर ही हमें मिला है बिल्कुल टॉप पे, ये आई थिंक चाकू वगैरह या किसी ऐसी चीज़ के, लोहे वाली चीज़ के साथ हुई पड़ी है, मोहम्मद की समझ आ रही है, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है जी। अभी काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं अभी, बस थोड़ा सा इसी टाइम पे इंशाल्लाह थोड़ी देर और। माशाल्लाह जी, ये सारा मदीना शरीफ, कैमरामैन को तस्वीरों की पड़ गई है अपनी, कि पहले मेरी बना लो बाकी किसी और चीज़ की। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस रहा, इतनी हैकिंग की है
ओहद पहाड़ के टॉप पे आए हैं हम लोग। ये नीचे मदीना शरीफ, ये देखें ये हरम है माशाल्लाह, ये हरम की बिल्डिंग है, ये हरम है। ये ऊपर मस्जिद है एक छोटी सी, देखें ये वो मस्जिद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये टॉप पे ऊपर मस्जिद है। ये मदीना की दूसरी साइड, ये देखें ये झगड़ा कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे की तस्वीरें बना रहे हैं और इनके काम देखें। माशाल्लाह हम लोग इस वक्त फुल टॉप के ऊपर हैं। ये देखें, ये अगर कैमरा का जूम आए ठीक से, ये सामने हरम है माशाल्लाह, और ये पूरा मदीना सिटी सारा देख सकते हैं आप, और ये ओहद की बैक साइड, ये देखें ये दूसरी साइड। और जैसे ही हम लोग टॉप पे पहुंचे हैं माशाल्लाह, ये ऊपर किसी ने मस्जिद बनाई हुई है पत्थरों के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप कि ये मस्जिद बनी हुई है ऊपर छोटी सी, और कितनी खूबसूरत मस्जिद है। इंशाल्लाह असर की नमाज हम इधर ही अदा करेंगे। वाओ, ये देखें नीचे, ये सारा ओहद पहाड़ है। उफ, ये मदीना शरीफ, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई है किसी ने पत्थरों के साथ। और ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो पहाड़ है बहुत, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जन्नत के पहाड़ों में एक पहाड़ है। ये देखें आप, अल्लाह के नबी को, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ से बहुत प्यार था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार था। माशाल्लाह क्या शान है इस पहाड़ की, और आज अल्लाह ने हमें मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग यहाँ पे आए हैं ऊपर। इंशाल्लाह जिंदगी मौका दिया तो मैं कहता हूँ आना चाहिए यहाँ पे, जैसा खूबसूरत व्यू है ऊपर से। आप यकीन करें कैमरा वो चीज़ नहीं दिखा रहा आप, जो ऊपर आगे फील हो रहा है, जैसी हवाएं हैं ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो माशाल्लाह मौसम भी बड़ा कमाल का हो गया, लगता है हमें बारिश भी मिलेगी इंशाल्लाह, आस्ते आस्ते इंशाल्लाह। पर बस हमने नमाज अदा कर ली है माशाल्लाह, अभी बस तैयारी है बस नीचे उतरने की, और ऊपर से रेस्ट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पी लिया सारा कुछ अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें व्यू फिर एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाते हैं, वो सारा आपको मदीना नज़र आ रहा है। हम भी तकरीबन काफ़ी 8 साल हो गए मदीना शरीफ में, पहली दफ़ा ही हमें ये मौका मिला है, हम ऊपर आए हैं पहली दफ़ा। तो चले सही है इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर आपको। उसके ऊपर हम लोग गए थे। हाँ चौधरी मज़ा आया माशाल्लाह, आज तो बड़ा मज़ा आया शेख। हाँ जी इधर देख, ऑर्डर लाओ। जाएं आप लोग भी अपने एरियाज में, पाकिस्तान है इधर है, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत इंजॉय करें। लेकिन अगर हैकिंग के लिए जाना है तो मैं फिर बता रहा हूँ, अच्छा सा डंडा लेके जाएं। बहुत मुश्किल होती है डंडे के बिना, बहुत बड़ी गलती हुई है। और दूसरी बात, ये है वो आदमी, ये है वो शख्स जिसने हमारा सारा पानी खत्म कर दिया। नहीं नहीं मैंने तो नहीं, ये वो बंदा, गौर से देखिए इस चेहरे को। थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से। यार इधर से आए थे हम लोग भाई, रास्ता चेंज हो गया, रास्ता चेंज हो गया। गाइडर होना चाहिए भाई एक, अगर शेख थक गया तो मैं उठाना पड़ जाए तो, क्योंकि जुगत का मजा पंजाबी में आता है। वो पुराना घर हो ना, पुराने वक्तों में जो घर थे, ये उस घर की वो छतीरी है। पूरा घर डिग पैंदा लेकिन छतीरी नहीं डिगदी। तो असं किंज चुकांगे क्यों शेख। देखिए अब इस बंदे से चला भी नहीं जा रहा। यानी थोड़ी सी पंजाबी में, इस बंदे नु चुकना हो ही चुकना कि तू वड्डा गार्डर चुकना है। चल चल गाड़ियां भी आ रही हैं ऊपर, लेकिन हम लोग तो पैदल ही आ गए यार। हैं गाड़ी ले ऊपर ना भाई, गाड़ी नहीं पैदल का अपना ही मजा है। कहा था इधर से आ, आए आए, मैं शेख मर गया। शेख साहब आराम से यार, क्योंकि बाद च तुसीं थल्ले लभना सानू। सो गाइस ये था हमारा आज का सफर, माशाल्लाह मज़ा आया। अभी तो हम नीचे नहीं आए, तकरीबन आधा घंटा एक घंटा लग जाएगा, लेकिन अंधेरा हो रहा अब तो मैंने सोचा आपको अलविदा कह दें, क्योंकि जल्दी से थोड़ा नीचे जाना है, वीडियो का तो टाइम नहीं रहा। और इस बंदे की हालत भी बड़ी तफ्तीशनाक, जिसे कहते हैं एमरजेंसी में लेके जाना पड़ रहा है इसे। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।